हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने एक मेथड देखी थी, मे बी हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड को हम लोग डील कर रहे हैं, कौन से? डिफरेंशियल मेथड। ओके, तो सभी लोग हेडे लगा लेंगे क्या? डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो हेडिंग लगा लेंगे, कौन सी मेथड है हमारे पास इस बार? डिफरेंशियल मेथड। तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे क्या? डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड। अच्छा, एक बात और, इसका एक और नाम है बच्चों, क्या? वॉन्ट ऑफ मेथड। क्या है बैकग्राउंड में? वॉन्ट ऑफ मेथड। ठीक है, ये इन्होंने इसको स्टार्टिंग में निकाला था, यूज किया था, तो इन्हीं के नाम पे हमने इसको रख दिया वॉन्ट ऑफ मेथड। क्लियर है? वॉन्ट ऑफ मेथड, ये लीजिए। ठीक है, तो क्या समझ में आया? डिफरेंशियल मेथड कह लीजिए या फिर वॉन्ट ऑफ मेथड कह लीजिए, एक ही बात है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, नाम से डिफरेंशियल फॉर्म यहां पर यूज होने वाली है ना? तो दिस मेथड वॉज गिवन बाय वॉन्ट ऑफ, तो उसके उन्हीं के नाम पर हमने इनको क्या रख दिया? क्या? वॉन्ट ऑफ मेथड भी हम लोग इन्हें बोलते हैं। तो लेकिन लेट अस कंसिडर रिएक्शन, इसके लिए फिर से हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। जैसे क्या? ए है, इससे बनता है हमारा प्रोडक्ट पी। ठीक है, इसके एन नंबर ऑफ मोल्स हैं यहां पर हमारे पास, जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिखा ऐसा। चलिए, तो अब हमें, अगर मैं इसके लिए रेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका क्या लिखूं बच्चों? रेट लिखूं, तो आपको पता है ना आप कैसे कर सकते हैं इसका रेट? कंसेंट्रेशन जानते हो ना ये सब, तो आप तो देखो कैसे लिखेंगे। जैसे रेट वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इन जनरल लिख देता हूं पहले। ठीक है, आपको पता है क्या जो इन जनरल रेट होता है वो क्या होता है? डी माइनस, रिएक्टेंट की टर्म्स में है तो डी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये सी यहां पर कंसंट्रेशन को दिखा रहा हूं। ठीक है, और डी टी, और इक्वल्स टू क्या होता है किसके? रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये देखो, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, इन जनरल हम इसको ऐसे भी लिख सकते है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर अगर n टर्म्स, n ऑर्डर होगा तो यहां पर n आ जाएगा, यहां पर आप c1 लिख लीजिए, क्योंकि चलो पहले ऐसे जनरल लिखो। इतना समझ में आया? ये जनरल टर्म्स है। अब अगर मैं इसे कहूं रेट वन, अलग अलग कंसंट्रेशन रेट वन और रेट टू लिखना चाहूं मैं अलग अलग टाइम में, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी c1 अपॉन dt इक्वल्स टू के c1 की पावर n माइनस वन। सिमिलरली यहां क्या होगा? माइनस डी c2 अपॉन dt इक्वल्स टू के c2 की पावर n। सही है, यहां तक कोई कष्ट तो नहीं है? देख लीजिए, इनको इक्वेशन वन इक्वेशन टू ले लीजिए, इनको डिवाइड कर दिए, सब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं एक्चुअली में। तो इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर, इक्वेशन टू, अब क्या करना है आपको? दोनों को डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, तो यहां लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा बताइए? रेट वन अपॉन रेट टू इक्वल्स टू क्या है? इनकी जरूरत तो है नहीं, आप डायरेक्ट इसको इसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या जाएगा? चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस डी सी वन अपॉन डी टी और ठीक है क्या जाएगा? माइनस तो छोड़ो यार, जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको के साथ कंपेयर करते हैं, के सी वन की पावर एन और के सी टू की पावर एन। ठीक है, क्या है? ऑर्डर रिएक्शन सेम है, ऑर्डर सेम है,
तो के भी सेम ही आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके बच्चों, रेट वन अपॉन रेट टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, लोग एन आ जाएगी। देखो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब फिर तो बताइए करना क्या है, हमारा टास्क क्या है, एन निकालना। एन तभी एक ही शर्त में आ सकता है नीचे, जब इसका लॉग ले लूंगा मैं, बोलो यार। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा टेंशन ही नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लॉग ऑपरेटर क्या जाएगा, लॉग रेट वन अपॉन रेट टू इक्वल्स टू लॉग सी वन अपॉन सी टू की पावर एन। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी को आप लोग यूज कर पाएंगे और उससे क्या होगा, जो पावर एन है वो क्या जाएगा, लॉग से पहले ऑपरेट हो जाएगा। तो क्या जाएगा बच्चा आपका, लॉग रेट वन अपॉन रेट टू इक्वल्स टू एन लॉग सी वन अपॉन सी टू। एन की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग रेट वन अपॉन रेट टू डिवाइड बाय लॉग सी वन अपॉन सी टू। तो यहां से आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ, कुछ ज्यादा टेंशन तो इसमें है नहीं, ठीक है। और ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हो, छोटा छोटा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर जी कर लीजिए। क्या जाएगा, लॉग रेट वन माइनस लॉग रेट टू और अपॉन लॉग सी वन माइनस लॉग सी टू। इस तरीके से भी आप इस मेथड के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज क्लियर, देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल सेम सेम ही है, सेम सेम ही प्रोसेस आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है ना। चलिए, अब हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे।